भारत में लगातार कोविड-19 के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन कोविड-19 के मामलों में कमी नहीं आ रही है, जिसके चलते मुरादाबाद रेलवे स्टेशन और रोडवेज पर बाहर से आ रहे यात्रियों के लिए विशेष टेस्टिंग अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में कोविड-19 के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए मुरादाबाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। दिल्ली से मुरादाबाद आ रहे हर यात्री की कोरोना वायरस की टेस्टिंग कराई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना के खतरे को देखते हुए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि पड़ोसी राज्य दिल्ली में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और जिसमें पॉजिटिव मरीजों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट पर है। मुरादाबाद में दिल्ली से आ रहे यात्रियों की टेस्टिंग जिला प्रशासन ने अनिवार्य कर दी है और साथ ही जिला अधिकारी ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कई जनपदों के नाम लिखे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति दिल्ली व अन्य राज्यों से यात्रा कर वापस मुरादाबाद आता है तो उसे कोविड-19 कराना अनिवार्य है। अगर कोई भी व्यक्ति अपना टेस्ट नहीं कराता और अगर वह पॉजिटिव हुआ तो उसके संपर्क में आने पर और कोई पॉजिटिव हो जाता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी, जिसका आदेश जिला अधिकारी ने जारी किया है। देखिए, दिल्ली में कोरोना से बहुत डेथ हो रही है, उससे हम लोग बहुत आशंकित हैं और हमने रोडवेज पे और रेलवे स्टेशन पे दिल्ली से आने वाले लोगों की चेकिंग स्टार्ट कर दी है और हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि वो स्टेशनों पर अपना सैंपल दें और जो सैंपल वहाँ नहीं दे जाते हैं वो स्थानीय स्तर पर सूचित कर सैंपल देने की व्यवस्था करें। सर, जैसा कि DM साहब ने कल एक बैठक ली थी, उसमें क्या दिशा निर्देश दिए थे?